जानता हूँ मैम। जी बिल्कुल। नितिन कुमार जी, अपने बारे में कुछ बताएं आप। सर, मेरा नाम नितिन कुमार दुर्वे है। मैं ग्राम खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन कला संकाय से पूर्ण किया है। 2016 से लेकर 2019 तक मैं सीमा सुरक्षा बल में लिपिक वर्ग में कार्यरत रहा हूं और वर्तमान में मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, सीमा सुरक्षा बल में आप कब से कब तक और कहाँ पोस्टेड थे? सर, मैं जुलाई 2016 से अप्रैल 2019 तक कार्यरत रहा। मैं जम्मू कश्मीर में रहा और कूचबिहार सेक्टर में रहा सर। ओके, अभी आप कार्यरत हैं वर्तमान में? नहीं सर, मैं रेजिग्नेशन दे चुका हूँ सर। रेजिग्नेशन दे चुके हैं आप। सीमा सुरक्षा बल छोड़ के सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सेवा में आऊँ, इसलिए मैंने इस फील्ड का चुनाव किया सर। तो आपको नहीं लगता कि सीमा सुरक्षा बल को भी एक नुकसान होगा, वो अपना एक एम्प्लॉई, एक अच्छा एम्प्लॉई छोड़ेंगे? सर, मुझे लगता है सर, मैं इस फील्ड में बेहतर कर सकता हूँ। सीमा सुरक्षा बल में सभी कार्मिक अपनी बेस्ट ड्यूटी देते हैं और मुझे नहीं लगता सर कि नुकसान होगा। ओके, आपने ग्रेजुएशन 2016 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में आप कुछ बताएं। डॉक्टर हरि सिंह गौर सर सागर जिले से संबंधित थे। वह एक विधिवेत्ता, साहित्यकार, समाजसेवी और संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कुछ रचनाएं की और सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की सर। आपने सीमा सुरक्षा बल में पुंज सेक्टर में अपनी सेवाएं दी हैं? तंगधार सेक्टर में सर। कौन सा सेक्टर? कुपवाड़ा सेक्टर, तंगधार। कुपवाड़ा सेक्टर, ओके। कुपवाड़ा सेक्टर में मतलब सीमा सुरक्षा बल का क्या काम होता है? सर, हमारा काम बेसिकली आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है और जो LOC है सर, उसमें अवैध घुसपैठ को रोकना और काउंटर पार्ट पर नज़र रखना सर। ओके, आर्मी की कौन सी रेजिमेंट आपके साथ काम करती थी? सर, 104 कोर हमारे साथ काम। 104 किस कोर का था? 104 तो एक नंबर होगा बटालियन का या रेजिमेंट का, वो किस कोर का था? 104 से कोर थी सर, हम बटालियन का सर नहीं, मतलब RR का था आप? सर, राष्ट्रीय राइफल का था। राष्ट्रीय राइफल, वही मैं जानना चाह रहा था कि राष्ट्रीय राइफल का था, किसका था। ओके, तो उसके बाद आपका कश्मीर के अलावा आपने कहीं और सर्विस दी हो? तो जैसे पश्चिम बंगाल कूचबिहार में सर। ओके, पश्चिम बंगाल में कूचबिहार में आपने सर्विस दी। ओके, वहाँ पर आपके साथ आर्मी की कौन सी यूनिट साथ में थी? सर, वहाँ पर आर्मी नहीं थी सर, वहाँ पर BSF इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट है सर। ओके, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में आपने इलेक्ट्रीशियन से भी डिप्लोमा किया हुआ है? यस सर। ये क्या ITI था? जी सर। अच्छा, तो फिर ये काफ़ी वेरिएशन दिखता है यहाँ पर। हम एक बार एक दूसरा एजुकेशन लेते हैं, फिर उसके बाद एक टेक्निकल एजुकेशन भी लेते हैं, राजनीति शास्त्र, वहाँ से आपने आपका सब्जेक्ट रहा है ना, उसके बाद आप इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट से भी पढ़ाई करते हैं, आप सेना के SSB में भी जाते हैं, सीमा सुरक्षा बल में, अब आप प्रशासन जा रहे हैं। इतना वेरिएशन क्यों है सर? मतलब क्या आपको नहीं लगता कि ये एक कॉन्फिडेंस की कमी है कहीं भी? सर, 12th के बाद 2013 से लेकर 2015 तक मैंने ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिया। तत्पश्चात मैंने सर उसी के साथ मैंने सर ग्रेजुएशन स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सर उसको पूर्ण किया सर। ओके, पर आपने फिर उसको छोड़ दिया? नहीं सर, मैंने कंप्लीट किया सर, दोनों कंप्लीट किया। yes, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन या ट्रेड संबंधित आपने कोई भी जॉब या कोई काम नहीं किया? सर, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया सर। ठीक है, आपने एक जॉब छोड़ी हुई है, आप MPPSC में सिलेक्ट हो जाते हैं। yes, तो क्या आप उसे भी छोड़ देंगे? नहीं सर, मैं इस पर रेगुलर रहूँगा सर। ऐसा क्या विशेषता आपको नज़र आती है जिसमें आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आप रेगुलर रहेंगे? सर, क्योंकि ये बेहतर जॉब है, इसमें कार्यों की विविधता है और इसमें सुरक्षा ज़्यादा है सर, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। ओके, और सर इसमें इतना ही। तो आप सुरक्षा की दृष्टि से ही क्या आप बॉर्डर छोड़ के आप मतलब पीसलैंड में आना चाहते हैं? नहीं, आपने सर, अभी सुरक्षा कहा, किस तरह की सुरक्षा? आर्थिक सुरक्षा में सर ज़्यादा है सर। तो SSB में आर्थिक सुरक्षा नहीं है क्या? नहीं है सर, लेकिन उसके कंपेरिजन में बेहतर है। सीमा सुरक्षा बल में मैं कार्मिक के पद पर कार्यरत था, यहाँ पर मैं ऑफिसर लेवल पर कार्यरत रहूँगा सर। आपके नाम का अर्थ बताइए। मैम, मेरे नाम का अर्थ होता है नैतिक व्यक्ति। आपको लगता है कि आप नैतिक हैं? यस मैम, मुझे लगता है मैं नैतिक हूँ। आपको नहीं लग रहा कि आप एक जॉब, एक बहुत अच्छा जो आदमी है वो अपने आप में एक प्राइड का वो होता है, वहाँ ज़्यादा नैतिकता है और आप उसको छोड़कर यहाँ आ रहे हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार मिलेगा आपको हर तरफ देखने के लिए, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं?
मैम नैतिक में मैं इस रूप में हूँ कि मैंने सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है और मैंने अपनी जॉब भी सभी रूल्स रेगुलेशन के तहत छोड़ी है, पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। आप बहुत मुझे यंग नजर आ रहे हैं आपके इससे भी, और आप बहुत अच्छा कर सकते थे वहाँ पे, आपको और करियर बहुत अच्छा मिलता वहाँ पर, प्रमोशन भी होते हैं, तो फिर आप खुलकर आ गए लोगों के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ भी आपको ऐसी फील होगा, फिर आप नहीं। मैम इसमें रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा मैम। आपने अपनी क्या अभिरुचि रखी हुई है? मैम क्रिकेट खेलना और खाना बनाना। खाना बनाना? यस मैम। किस तरह का खाना बनाते हैं? मैम जब डेली जो खाना बनता है वो बना लेता हूँ मैम। क्रिकेट खेलना या देखना? खेलना मैम। खेलना, अच्छा। तो अब ये बताइए कि जो आईपीएल आ रहा है काफ़ी दिनों से, इसके 10-11 संस्करण शायद आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है इससे इसका जो स्तर है वो घट गया है, इसमें ज़्यादा व्यावसायिकता ज़्यादा बढ़ गई है और सट्टा वगैरह इस तरह की जो नैतिक गतिविधियाँ ये ज़्यादा इसमें हो गई है? मैम क्रिकेट में खेल की गुणवत्ता तो वही बनी हुई है, लेकिन खेल का कमर्शलाइजेशन होने से इसमें आर्थिक गतिविधियां जुड़ते जा रही है मैम। इसमें जो सट्टेबाजी की बात है वो गेम ऑफ स्किल घोषित किया गया है इसे, और इस रूप में मैम ये ठीक है मैम आर्थिक गतिविधियों के रूप में। आप एसटी से हैं? यस सर। एसटी क्या होती है? अनुसूचित जनजाति सर, जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा घोषित किया जाता है जिन जातियों को, वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बेसिक एसटी का बेसिक क्या है? वो तो राष्ट्रपति जी ने उनको घोषित कर दिया, तो क्या इसका बेसिक क्या है, किस आधार पर करते हैं? सर इसके मुख्यतः 4 या 5 आधार है। पहला है आदिम लक्षण, पहला एकांत निवास या भौगोलिक सुदूरता, विशिष्ट संस्कृति, और जो सामान्य जो लोग हैं उनसे मिलने में संकोची होते हैं, और इनका असामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन सर। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट को लागू किया है, क्या है ये पैसा एक्ट? पैसा एक्ट सर जनजाति का एक विशेषता होती है स्थानीय स्वशासन, इसको सर संवैधानिक और वैधानिक रूप देने के लिए सर मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया सर जनजातीय क्षेत्रों में। कुछ उसके बारे में बताइए, क्या प्रावधान दिए हैं, और जो नॉर्मल एक्ट है एक्सटेंशन के जो अन्य क्षेत्रों में अधिसूचित क्षेत्र के अलावा जो प्रशासन के रूल्स हैं वो यहाँ पे क्या क्या फॉलो नहीं होते हैं? सर जो स्थानीय निकाय हैं सर पंचायतों में पहला अंतर ये देखते हैं कि पंचायतों में सर जो सरपंच है, और सरपंच सर किसी भी कास्ट या फिर किसी भी कास्ट का हो सकता है सर, लेकिन जो पैसा एक्ट जहाँ लागू होगा वहाँ पर सर सरपंच हमेशा जनजातीय क्षेत्रों का होगा सर। और ग्राम सभा है सर, जैसे कि ग्राम सभा के अधिकार भी विस्तृत दिए गए हैं, जैसे सर खनन की स्वीकृति देंगे, लाभार्थियों की पहचान करेंगे, और सर जो शराब है उसकी स्वीकृति भी सर ग्राम सभा द्वारा ली जाएगी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए पैसा एक्ट कौन सी सूची पे लागू होता है, 5वीं या 6वीं? सर 6वीं अनुसूची पे सर। 6वीं में क्या प्रावधान है? 6वीं अनुसूची में सर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है सर। और 5वीं? सॉरी सर, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, और 6वीं सर असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के सर स्वशासित जिलों से संबंधित है। इसको देख लीजिएगा। आपने कहा आपकी हॉबी क्रिकेट है, आईपीएल है, क्रिकेट है, आईपीएल देखते हैं आप? जी सर थोड़ा बहुत देखते हैं। इस बार के आईपीएल में कुछ नियम चेंज हुए हैं, बता पाएंगे? सर इस बार से इम्पैक्ट प्लेयर का नियम आया है, और सर जो DRS है वो वाइड रिव्यू और नो बॉल में भी लिया जा सकता है सर। और सर मुझे इतना ही ध्यान है सर। चलिए ठीक है। आपने ITI से प्रशिक्षण लिया है, ITI आपने बताया है, तो मुझे ये बताइए NCVT और STVT इसमें अंतर क्या है? सॉरी सर। चलिए, ITI, IIT और NIT में क्या अंतर है? ITI सर। ITI, IIT, NIT। सर ITI सर बेसिकली ऑन द जॉब स्किल ट्रेनिंग होती है सर। IIT में हम सर प्रौद्योगिकी शिक्षा और निर्माण और डिज़ाइन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं सर, और सर NIT का मुझे ध्यान नहीं है सर। IIT? सर IIT का सर यही सर प्रौद्योगिकी शिक्षा और डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कोई IIT है? जी सर इंदौर में है सर। ठीक है, आप छिंदवाड़ा से हैं? यस सर। छिंदवाड़ा के कुछ औद्योगिक क्षेत्र के नाम बताइए। सर लहगड़ुआ सर छिंदवाड़ा का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है सर। सर फेक? एक सर बोरगांव है सर, और सर दो ही याद। बोरगांव अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है? सर वहाँ पर स्टेट प्रायोजित फूड पार्क है सर, इसलिए सर वो प्रसिद्ध है सर। चलिए,
ओके थैंक यू।